हमीरपुर संसदीय सीट पर पिछले 25 सालों से बीजेपी सांसद का कब्जा है और इस बार कांग्रेस भी लोकसभा चुनावों में अपनी जीत सुनिश्चित करवाने के लिए दम भरती नजर आ रही है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने सुजानपुर में एक बयान में कहा कि इस बार कांग्रेस का प्रत्याशी लोकसभा सीट पर जीत हासिल करेगा। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अब जनता जान चुकी है कि बीजेपी कैसे चुनावों के समय लोगों को गुमराह करती है। राणा ने कहा कि हाईकमान तय करेगी कि चुनाव के लिए उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन जो भी उम्मीदवार होगा वह जीतेगा। वहीं राजेंद्र राणा ने कुछ दिनों से बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों पर भी केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि महंगाई से देश की जनता त्रस्त हो चुकी है और अब इंतजार में है कि कब चुनाव आए ताकि बीजेपी को सब सिखाया जा सके। ये फैसला जो है कांग्रेस हाईकमान करती है कि कौन कैंडिडेट होगा, और जो भी कैंडिडेट होगा वो सशक्त होगा। और ये भी निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि ये पत्थर पे लकीर है कि इस बार हमीरपुर पार्लियामेंट से जो कैंडिडेट लोकसभा का होगा वो कांग्रेस का जीतेगा, और यहाँ से पर जीत जो है कांग्रेस के कैंडिडेट की ही होगी, क्योंकि पूरे देश में आज की डेट में 4 वर्ष जो है वो केंद्र में मोदी सरकार को हो गए, और मोदी सरकार ने महंगाई के नाम पर जो है धीरे धीरे इतना जहर लोगों में दे दिया है कि उस जहर का असर जो है आज पूरे देश में देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली दफा हुआ कि आज 12-13 दिन हो गए लगातार रोज जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से जो है पूरी चीजें जो है महंगी हो रही हैं और लोग जो है महंगाई से तंग हैं। विकास के काम केंद्र सरकार की तरफ से कुछ हुए नहीं, और अच्छे दिन के वायदे दिखाकर इन्होंने देश की जनता को जो है गुमराह किया।